सुप्रीम कोर्ट ने एसएसआर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट के इस फैसले पर आदित्य पंचोली ने कहा कि उनका पूरा परिवार इस फैसले से बेहद खुश है। उन्होंने ये भी कहा, सच सामने आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। कई बेगुनाह लोगों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उन सभी को राहत मिलेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। आदित्य पंचोली ने ये भी कहा कि पब्लिक तो हमें बेवजह ही ट्रोल कर रही है, हमारा नाम तो यूं ही लिया जा रहा है। इतने सेंसिटिव केस में तो पब्लिक बिना सच जाने ही हमें ट्रोल कर रही है, सच तो सामने आने दीजिए। मेरा बेटा सूरज, पत्नी जरीना, मेरी बेटी और मैं बहुत खुश हूँ कि अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। आदित्य पंचोली का कहना है कि कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, इस बदनामी से बॉलीवुड का दुनिया भर में जो नाम है वो भी बर्बाद हो रहा है। साथ ही नए लोग या यंगस्टर्स हैं जिनके अंदर बॉलीवुड को ज्वाइन करने का सपना है, कहीं वो लोग इस बदनामी से डर ना जाए। जो इंडस्ट्री आपको नेम, फेम, अवार्ड्स, पैसा सब देती है, उसकी बुराई करना बहुत गलत बात है। वेल, अब देखना ये होगा कि एसएसआर को क्या क्लोजर मिलेगा। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूँ कनिष्का शर्मा।